सुकार ही है। वैसे आ सूट तुम बड़ा खूबसूरत लग रहा। हाँ बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा। हाँ चलो जिस टाइम इतने आ जाए ना घूम के इस जगह ते आ जाए दूसरी दफा मैं चलाया ते कपड़े सूख जाने बैर काट लेनी ठीक हो गया ना। हाँ और बेगम साहब जी ना बना रही चाय। हाँ जी मैं कचा जा रही बना रही। हाँ जी और रह ली जी ना थलो सी काले जी ना कटन लगे सी लेकिन मिस्त्री भाई को जी ना पूछा ना कह रहा कि सर्दियां ने तो आज तक मसाला अच्छी तरीके से खुशक नहीं होया सुकया नहीं आ तुसी जी दो दिन ठहर के फिर जी ना किचन इस्तेमाल जी ना करना दो और मसाला ही मैं सारे वारते जेड़ना खिला रता मैं आख्या नेरे हुण तो पहला पहला जेड़ना मसाला जेड़ना खत्म करिए। हाँ जी ते सालन भी तैयार हो गए और रोटियां जी हुण पक रही ने हुणे पक जाने फिर अगला वार ना लाई और है नहीं बस जेड़ा वार लाई खले नहीं हो बड़ा चलो ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दुआ करना मेरे तमाम बहन भाई जिथे रहे खुश हो बाद रहे हमेशा आस्ते मुस्कुराते रहे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और काम जेना माशाल्लाह सुबह का जेना शुरू आ और तकरीबन जेना चार बार जेना दे पे आए ने कद नो मसाला चलो ठीक है मसाला जेड़ना बाई को आली तिकर जेड़ना मैं खिलाता है बठा ये लादे तिकर जेड़ना मैं भी सब्जी लैके जेड़ना आ जानी है और इंशाल्लाह उम्मीद था शायद आज ही खत्म हो जाएगा काम नहीं तो सवेरे तक फर्स्ट टाइम ही काम वगैरह जेड़ना खत्म हो जाएगा क्योंकि 3000 इट आज 2500 लाग जाए जेड़ी पिछले 2000 लाग गई पिछले सवेरे जेड़ना 1000 बचनी है और काम भाई माशाल्लाह जेड़ना बहुत ही खूबसूरत जेड़ना कर रहा और एक किट की असी जेड़ी दीवार उसारनी सी क्योंकि पर्दा ही करना सी एक किट की बहुत आई लेकिन जेड़ी दो इटा की उसार रहा इक्के हरी क्योंकि जेना बरांडे का जेना का दीवार वगैरह उसरनी है ना तो फिर कल जो फिर बरांडा वगैरह बना लगे साल दो साल तो उस टाइम जेने पटनी पौनी है इस करके इक्के हरी जेना बरांडे दिनी जेना रखी जा रहे हैं दो इटा की ठीक है क्योंकि मिस्त्री भाई कहें अगर एक किट की भी जेना मजबूत आ किधरे भी नहीं जाती जितना मर्जी बारिश आवे जो भी होनेरी आवे एक किट की भी नहीं मजबूत आई तो लेकिन जेना दो इटा की उसार रहे हैं क्योंकि कल बरांडे की दीवार वगैरह उसारनी है ना तो पहले ही जेना दीवार उसर जाएगी टेंशन वगैरह जी खत्म होगी इस तरह करके जेना हूँ अगे नाल नाल जेना हर महीने 1000 2000 1500 1000 इट जेंज करके लाई जावे ना तो बरांडे की जेन दीवार वगैरह छत्तर तिकर जेना लैके चले जावे फिर एक दो गाडर जमा करके इस तरह बरांडे का मटीरियल जेना पूरा हो जाएगा लेकिन फिलहाल जेना किचन के सामने बरांडे की दीवार तो जेना बन रही पर जेना दूसरी खाली दीवार ही जेना बननी है और मैं सब्जी जेना लै लवान बाकी की गल आन के करने हैं। हाँ जी तो सब्जी लैके जेना मैं आ गया अद्धा किलो जेन लैने मटर टमाटर जेन लैने प्याज एक जेना लिया और नाल जेना लिया अदरक और जेना सब मर्चा जेना थोड़ी बहुत जेना वो लिया ने पहला सब्जी जेन तुम बना लो सोनी तरह करके मैं भी जेना भाई ने मसाला जेना वो पकड़ा लवा नुमान रख दे पुत्र जेना रेड़ी थले और मसाला भी जेना सानू तकरीबन एक बार दो बार का और मसाला पिया मसाला भी जेना फिर बनाना पौना और मसाला जेना रेत भी जेना बहुत ज्यादा जेना कचरे वाली आई इस करके छत्तां वास्ते जेना रेड़े रेत दे जेना त्राए नवे सटाए आन क्योंकि प्लस्तर दे काबिल जेना रेत कोई नहीं आई क्योंकि सारी कचरा जेना मिक्स हो गई तो चुनाई दे विच मैं आखे जेने ही लग जाएगी और लाइट भी आ गई इटा की त्राई जेना दोबारा फिर कर ली मैं जेन दोबारा फिर ना लाइट चली जाए अच्छी तरीके ने जेने इटा तार कर लिया ने और बाहर जेना तकरीबन काफी सारे जेना आए खड़े ने दो बजे तिकर आप परली दीवार बराबर हो ही सा है ना आज इतना दी आप मोनू सारा इतना हो जावन गया ना उस बाद उत्ते वार देर सा है फिर सुबह जेना है टोटा जेना है उसार लवेंगे अगे इटा का हिसाब किताब वेखा गए ना जी इटा ज्यादा बाकी तो एवं दो इटा की उसार लवेंगे नहीं तो एक इट की जेना उसार लवेंगे और मिसाला भी जेना सिर्फ
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬੱਠਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲੇ ਤੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਰੇੜੀਆਂ ਸੱਟ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹਦਾ ਮਸਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਦੋ ਬੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਵਧੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੱਠਲ ਡੇਢ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਬੋਰੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬੋਰੀ ਚਾ ਲਵਾਂਗੇ ਦੋ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਦੋ ਬੋਰੀਆਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਿਮਣੀ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾਂ ਮਤਲਬ ਦੂਵੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੂੰਆਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਬਾਹਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਫ਼ਤਾ ਚਿਮਣੀ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੇਵਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੋ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਆ ਪੂਰੇ ਉਹਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਇੱਟਾਂ ਸ਼ਬਾਸ ਕੱਢ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਬਾਰੀ ਵਾਲੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਚਨ ਦੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਬੈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਰਿਹਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਲਈ ਦੁੱਧ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 1 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇ 1-2 ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ 2 ਦਫ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣੀ ਪਾਉਣੀ 1 ਦਫ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਲਈ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਵਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ 1 ਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ 3 ਕਿਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 3 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੜਾ ਉਸ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਦੁੱਧ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਠਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਰਾਬ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫੱਟੇ ਦੇ ਆਸਰੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਠਲਦਾ ਔਰ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਕਾ ਨਹੀਂ ਉਬਾਲ ਲਓ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 2 ਕੱਪ ਬਣਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਬੱਠਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਹੀ ਵਾਰ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਮਸਾਲਾ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਣਾ ਪਾਉਣਾ ਹਾਂ ਇਹੀਓ ਵਾਰ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਮਸਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿਆ ਤੀ ਚਾਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਪੀ ਲਵਾਂਗੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੀ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜੀ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਆਖਰੀ ਬੱਠਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਚਾਹੇ ਵੀ ਬਣੀ ਖੋਤੀ ਹੈ ਸ਼ਬਾਸ ਬਾਈ ਇਹ ਜੀ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੇਤ ਸੱਟ ਲਈਏ ਰੇਤ ਸੱਟ ਕੇ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪੱਕਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਤਿੱਕਰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੇਤ ਦੀ ਬੋਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟਾ ਕੁ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੋਰੀ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦੂਸਰੀ ਬੋਰੀ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਚਣੀ ਅੱਧੀ ਬੋਰੀ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾ ਕੇ ਬੋਰੀ ਹੋਰ ਚੱਕ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਮਿਹਨਤ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ 2.5-3 ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਅੱਜ ਲਾ ਸਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਉਹ 2-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਅਗਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਸੰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਨੀਵਾਂ ਇੱਥੇ ਮਸਾਲਾ ਵਾਹਵਾ ਦੇ ਲੈ ਲੇਵਾ ਲਓ ਜਾਸੀ ਉਹ ਰੇਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਕਚਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਚਰਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਕਚਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸੀ ਟੋਇਆ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣੇ ਆ ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਚਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਤਿੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਰਥੀ ਦੀ ਵਾਈ ਸੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਹੀ ਭਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੇਤ ਆਈ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਂ ਰੱਖ ਲਈ ਆਈਆਂ ਉਸੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਚਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਰੇੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈਣ ਔਰ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਰੇਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਚਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਮੁੰਝ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੋਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੱਕ ਤੂੜੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਚੁਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਲਸਤਰ ਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 3 ਰੇੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪੱਕਦਿਆਂ ਤੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਸਾਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬੋਰੀ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਰ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਟੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਬਾਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ
ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਆ हाँ जी। तो मसाला जेना अच्छी तरीके मिक्स करके पानी जेना पाता तकरीबन जेना 15-20 मिनट जेना लग जाना मसाला जेना सैट करके फिर जेना इटा तो जेना मैं त्राई करती है थोड़ा जो और पानी वगैरह जेना ला लवेंगे इटा तो काम जेना इंशाल्लाह शुरू करने हैं। और सालन जेना तकरीबन तैयार होया खा तो रोटियां जेना बाद जेना बनानियां ने सालन जेना तैयार हो रहा जी जी शाम शायद चिमनी चाक जेना बाल लेनी सुबह फर्स्ट टाइम ठीक है ना हां सुबह बाल ले मसाले चीज पानी बारिश बाद बैठे तेन को एक बठा जो सिलेना पार के रखने शबाज भाई इो वार पूरा करो रोटी खा ली फिर इंशाल्लाह शुरू होने ठीक है ना और असी तो जो सोचा सी रोटी पहले पहले जो मसाला खत्म कर लेवेंगे लेकिन रोटी माशाल्लाह जी पा के पहले जो रोटी खा लेने बाद काम शुरू जो करने इंशाल्लाह। हाँ जी अलहमदुल्ला रोटी खा ली है शबाज भाई ने रोटी जी खा लिया तो इंशाल्लाह सुने लन याद करके काम जो करने शुरू चाय जी फिर बेगम साहब जी बना लेगी ना फिर जी चाय पी लवेंगे काम नहीं शुरू होना चाय फिर पक जाएगी पी लवेंगे क्योंकि चाय असी थोड़ी देर एवं जी पहले ही पीती तकरीबन अद्धा घंटा जी पहले चाय जी पीती हूँ काम जो शुरू करने दस 20 मिनट तक चाय बन जाएगी इन्नी देर तक एक बार जी कंप्लीट करने फिर जी चाय पी लवेंगे। हाँ जी तो काम शुरू करता और पूरे वार से जेना मसाला जेना मैं खिलारता इस तरह जेना थोड़ी जी जेना स्पीड लग जाती है एवं ही ना क्योंकि मसाला पूरे वार तो मुकम्मल हो गया भाई और जी इटा हम जुड़ी जानियां
और इस वार के अंदर आके जेण ना लेवल होया पहले जेण नीवी उची जगह थोड़ी जी आई लेकिन जे इस वार दे विच आके जेण हुण बिल्कुल ही जेण दीवार लेवल च हो गई आ और बिल्कुल जेण ना लेवल अंदर दीवार हुण तक जेण खड़ी आ और मिसाला भी जेना साडा तकरीबन जेना खत्म होया खड़ा इन्ना एक जेना रह गया और पीछे जेना पई आ एक बठल पया सीमेंट दा ओ जे किचन नु वदया हां ओ एक रेडी दे मसाला बन जासी हां एक रेडी दे बन जा हां और बेगम साहब भाई जेना कपड़े जेनो सुखा रही है वैसे आ सूट तन्नू बड़ा खूबसूरत लाग रिया हां बहुत ज्यादा खूबसूरत लाग रिया हां चलो जिस टाइम इतने आ जाए ना ए घूम के इस जगह ते आ जाए दूसरी दफा मैं चलाया ते कपड़े सूख जाने बाहर काढ़ लेवी ठीक हो गया ना हाँ अल्ला कह रही मैनू बूट पवा अल्ला और इन्हें दूसरे नवे बूट आज कोई नहीं पहनाए ने इस करके नवे बूट नहीं पहनाए ने सारे जेड़ा चिकड़ वगैरह बनया खोता ते आले मसाला वगैरह नवे बूट ने नाले होण रूई जी ते बने होण ना नरम जे बूट ने तो सारे जेड़ा खराब हो जाने अगर बार बार जेड़ा धोता ना तो खराब हो जाने फिलहाल हाले धोता तो उन्होंने एक बार ही कोई नहीं इस करके अज इन्हें नहीं पहनाया मैं जेड़ा अज ते दमी दा काम आ चिकड़ वगैरह जेड़ा सारा खत्म हो जा सी फिर इन्हें दूसरे जेड़ा बूट वो पहनावांगे अनुमान क्या दूसरे ब्लैक बूट जेड़ा पा ला नवे ना पाई नवे सवेरे स्कूल पा के जाई क्योंकि सारा चिक्कड़ जे है ना ते इन्ना अंदर बहना कोई नहीं इत्थे बाहर टुरना फिरना ए की चीज आ गाल च पा ला यार अच्छा जर्सी भी जेड़ी ना बड़ी नाइस लग रही बहुत खूबसूरत लग रही हां हां खुले नहीं नहीं पूरी आई है हां और मसाला जेड़ा उधरली साइड ते तीन बठल जेड़ा मैं खिलार के आ गया और कपड़े भी सोख गए बेगम साहब जेड़ा कपड़े जेड़ा काट रहे मशीन चो बस हवा जेड़ा थलवा लो वैसे जेड़ा खुशक तो हो गए ना ही ना सोख गए ना अच्छा ना निचोड़न की काहे नहीं जरूरत एवें जेड़ा कपड़े पाते करो ठीक है ना हाँ और मसाला जेड़ा सारी दीवार ते मैं कोई नहीं अगर खिला रहा क्योंकि जेड़ा भी खुशक जे हो जाता है इस करके तीन बठल ये खिलारते जिस टाइम ला लवेगा दो बठल जेड़ना इतने अगली साइड से लगने ये वाले जेड़ना बाद दो बठल जेड़ना बाइन पकड़ा देवे और असी सुबह तो हूँ तिकर जेना तकरीबन को नौ साढ़े अठ नौ सौ इट जेड़ना ला ली है इन्नी कु लग गई ना शबाल साढ़े अठ नौ सौ ओए होए है गल हुई ने ओ तू पैर स्लिप होया नहीं डिग्गिया कोई नहीं ਇਹ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸਲਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾ ਸੰਭਲ ਗਿਆ ਆਮ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਉਧਰੀ ਤਾਰ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਲਓ ਹੁਣ ਰੇਤ ਚਾਵੇਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੇ ਟੱਪੇ ਉਸ ਤਾਰ ਤੇ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੋਈ ਉਹ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਰ ਉਸਰ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਤੈਂਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂਤ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਐਂ ਤੈਂਜ ਜਿਹੜਾ ਏਦੂ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਰ ਪੰਜ ਤਾਰਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੋਟੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆ ਲੰਮੀ ਤਾਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜੇ ਇਹਨੇ ਹਟਾ ਦੇਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਨਾ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੀਕਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਲੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਧੁੱਪ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਲੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਦੀਵਾਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਔਰ ਕੁਛ ਬੈਣ ਬਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਦੀ ਜੇ ਦੀਵਾਰ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਜੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇੱਕੇ ਦਫਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਇਦਾਰ ਬਣੇ ਮਿਸਤਰੀ ਬਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਟ ਦੀ ਫਿਰ ਦੋ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਜੀ ਲੱਗਣੀ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੋੜ ਤਿੱਕਰ ਦੋ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਰ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਔਰ ਮਿਸਾਲਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਸਾਲਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਐਤਨ ਤਿੱਕਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰ ਦੇ ਪੂਰਾ ਆਇਆ ਮਸਾਲਾ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੀਮਿੰਟ ਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੱਠਲ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆ ਬਲਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਰੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਬੋਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਹੈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਸਾਂਝ ਰੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਫੜੀ ਲਵਿਆ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਲਿਖਵਾ ਦਵੇ ਆਪੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਪ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਤਨ ਤਿੱਕਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋ ਕਰੇੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ
क्योंकि दो रेहड़ियां देखे होंगे नहीं पिछले जाना घंटा डेढ़ एक घंटा रह गया, दो रेहड़ियां तो बनवा लेना, बोरी पूरी तो मसाला नहीं बनावे, सिर्फ और सिर्फ जाना दो रेहड़ियां बना लेना, मतलब कि दो बठल होवन के सीमेंट के, दो रेहड़ियां जी हो जाए रेत दियाँ तो वह बना लेना शाम तिकर, क्योंकि जेना ना कौला वगैरह जो सारा ने कोना इतना तिकर जाना सीमेंट वगैरह जाना पूरा आ जाएगा। और इटा जेना दोबारा मैं फिर जी त्राई करती है, टेंशन कोई नहीं, इन्होंने घट पानी लाया सुबह लगनी है, इन्होंने शाम टाइम जिस टाइम छुट्टी की ना उस टाइम पानी वगैरह जाना और ला लवेंगे। हाँ जी, तो मसाला भी जेना तैयार हो गया और भाई और जेना बठल जेना मसाले तो जेना पा तत् काम जेना शुरू की खड़े, और पानी जेना मैं इतने जेना दरम्यान रोकता मैं कि जेना इधर शहर तू जेना थोड़ा बहुत मसाला सुका है ना वो सिम के जेना सही हो जाएगा इस तरह, और इस तू पिछे जेना कौले तो जेना वार रह गए ने एक दो तीन चार पाँच वार ही आवनगे इन नाल ही, और बारह बार जेना मुकम्मल हो गए, असल तो लंबी दीवार आई है एवं ही ना तां नबेड़ा घट होया, बस चलो अल्लाह पाक दा लख लख शुक्र है काम काफी सारा जेना हो गया, और मसाला जेने भी तकरीबन घंटा जेना लग जाना, घंटे के अंदर मसाला जेना खत्म होगा, और तकरीबन इस दो रेहड़ियां मसाले नाल जेना वार लगने ने चार, क्योंकि पहले जेना तीन तीन रेहड़ियां बनाते रहन छे वार लगते रहन, तो चार रेहड़ियां मसाले नाल जेना आ दो रेहड़ियां मसाले नाल जेना चार वार लगेंगे। और बेगम साहब जी जेना बना रही चाय, किचन इस्तेमाल जेना करना दो दिन बाद जेना फिर पट्टांगे ना, क्योंकि असि जेना इस करके पट्टू सी ना दुवे ना कड़ियां गाडर जेना ब्लैक होंगे पेने इस करके, तो बहर ही जेना नहीं बाल सकने, बहर सर्दी बहुत ज्यादा होंगी, फिर बच्चे जेना सारे नाल ही जेना बहर होंगे ने इस करके बहर ही सर्दी बहर आग जी नहीं बाल रहे हैं, लेकिन भाई कह रहे दो दिन जेना और रुक जाओ ना तो मंगल वाले दिन जेना कुछ जेना खोल लिया जे, शायद सुबह सैकेंड टाइम ही शबाज खोल सा हाँ, और सुबह अगला टोटा जेना हो जाएगा तो दीवार जेना कंप्लीट हो जाएगी, इस तरीके करके जेना अगले महीने जेना 1500-2000 ईट और सता के ना तो ऐदली सैडल जेना वार देने जेना शुरू करांगे ना, ताकि जेना हर महीने जेना 2000 ईट 1500 इस तरह करके लाई रखी ना, तो बरांडे जेना छत्तां दे बराबर तिकर जेना चला जाएगा ना वार ऐदले बरांडे दे, तो आस्ते आस्ते जेना जो दीवार कंप्लीट होगी फिर जेना बरांडे की छत का जेना लोहा वो जमा करना शुरू करांगे, मतलब कि हर महीने दो गाटर तीन गाटर कड़ियाँ चार पाँच इस तरह जो सारा मटीरियल जमा करना शुरू कर देवे, पहले हम दीवार सारनी जी इंशाला शुरू करने आने आस्ते आस्ते जेना दीवार ये गर्मियों तक जेना कंप्लीट कर लवें, क्योंकि दीवार माशाला है भी काफ़ी सारी जेन लम्मी, क्योंकि चार कमरे और बाकी मैंने कमेंट आया ना तकरीबन दो तीन दिन लगातार आते रहन, तो मैं जेना याद नहीं रहा विलाग बना लगे जवाब देना कि जहाज बी दुकान तो किचन तो इलावा थोड़े को किन्ने कमरे ने, तो वो तो फिलहाल जी डेली बिला के जी देखते हो किन्ने कमरे ने, एली जेना दुकान आ गई अगे नाल एक है कमरा तो एक कमरा जेना है तो अगे सामने जेना किचन, दो कमरे ने एक दुकान है एक किचन है,
दो कमरे, मैं फिर दस देना, दो कमरे ने, एक किचन है एक जेड़ी दुकान है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है जेड़ा जल्दी जल्दी जेड़ा बरांडा जेड़ा इंशाल्लाह ये भी जेड़ा आस्ता आस्ता जेड़ा नाल दे नाल बनता रहेगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जेड़ा काम वगैरह जेड़ा जिवें करवाया ना तकरीबन 2-3 साल अंदर अंदर जेड़ा पहले जेड़ा सब तो पहले असी एक कमरा जेड़ा इंशाल्लाह बनाया, अल्लाह पाक दा लख लख शुक्र कंप्लीट हो गया। फिर नाल जेड़ा दूसरा कमरा जेड़ा बनाया, फिर नाल जेड़ा किचन बनाया, इसे तरह एक दफा जेड़ा कोई नहीं मतलब ये सारी चीज़ें जेड़ी बननियाँ आस्ता आस्ता जेड़ा जिवें स्टेप बाय स्टेप जेड़ा कमरे वगैरह जेड़ा बने ना, क्योंकि पिछले साल वो कमरा बनया सी ऐदला इस साल यह कमरा बनया, फिर अगे आन के जेड़ा इस साल किचन जेड़ा बन गया, फिर हूँ अगले साल नैक्सट हूँ साढ़े जेड़ा यही है कि असी जेड़ा बरांडा वगैरह जेड़ा इंशाल्लाह कोशिश करनी ये बनाने की। तो जिमें कि हर महीने जिमें कि हूँ इस वक्त जेड़ा 3000 रेट आ गई ना इस महीने ये लग जाएगी इन्होंने दे के फिर 3000 रेट लै आवेंगे या 2000 इतों जेड़ा अगे वार दे तकरीबन को अद तिकर जेड़ा इस कमर दरम्यान तिकर जेड़ा चली जाएगी दीवार, फिर अगले महीने जेड़ा होर रेट लाएंगे तकरीबन 10000 कमर के फ्रंट अगे हेट वगैरह जेड़ा लगनिया ना, तो बरांडे का इंशाल्लाह जेड़ा गर्मी तिकर जेड़ा कोई निजाम किया बन जाएगा दीवारा हो जाएगियाँ, फिर लोहा जेड़ा जमा करा क्योंकि कट्ठे पैसे ना इन्ने जमा होने ने, मैं कह कट्ठे जमा होवेंगे तो बरांडा वगैरह बनावेंगे वो कभी भी कोई नहीं इतने ज्यादा पैसे जमा होने आस्ता आस्ता जेड़ा जिमें अल्लाह पाक गुंजाइस देवेगा ना आस्ता आस्ता जेड़ा 1000-2000 लगती रही ना हेट शबाज जिम्मे हम 3000 लग गई 3000 होर लग जाए इधर फिर जेड़ 3000 लग जाए फिर 3000 लग जाए तो छत्तां तिकर जेड़ा बरांडा पहुंच जाना है ना, उस तो बाद जेड़ा आस्ता आस्ता जेड़ा लोहा जमा करना क्योंकि इतने जेड़ा माशाला एक दुकान दो कमरे एक किचन इन्होंने अगे जेड़ा बरांडा आना इतने गाडर ही तो समझ लो कि 3-4-7-4-11-11-2 माशाला 13 गाडर जेड़ा पवने ने, इसे थ्रू आस्ता आस्ता सारा मटीरियल जमा होगा ना फिर जेड़ा इंशाल्लाह बरांडा कंप्लीट हो जाएगा। और एक दो दिन जदों दीवार फिर लिया कि ना सवेरे उम्मीद का काम वगैरह जेड़ा खत्म हो जाए नुमान काफ़ी सारा जेड़ा तंग करी खड़ा कि जेड़ा LCD वगैरह जेड़ लै दो और इन्होंने जेड़ा LCD लाजमन जेड़ा मैं लैके देवगा नुमान तकरीबन जेड़ा 1-2 हफ्ते दे अंदर इंशाल्लाह तेन LCD लै देवगा, ठीक है मुड़ खुश है फिर यह नहीं भी स्कूल चुहावे तो LCD ते बैठा रवे काम लिख के बाद चलानी जीवन स्कूल ना रात नु चला ली करें ठीक है ना एक घंटा ठीक हो गए जेड़ा तुहानू मैं LCD जेड़ा लैके दे मैं खुश खबरी जेड़ा तुहानू सुना देवा हाँ क्योंकि जेड़ा शहरों जा पता जेड़ा कर लवेंगे किस्त वगैरह जेड़ा मिल जाती ना तू लै आवे शायद अगर जो रैत मिल बल्कि छोटे वाली जेड़ लै लिया ना वो तकरीबन जो रैत मिल जाती पर हूँ जेड़ा देखा जी अच्छी मिली ना अगर कोई कार बना हो बिच कोई महीने 2 महीने का टाइम लैके इन्होंने LCD वगैरह जेड़ा लिया के देने वाकई जेड़ा ना बच्चों का फिर जेड़ा दिल करता बच्चों का की बेगम साहब कहती LCD जेड़ लिया इतने आप कमरे वेले टाइम जेड़ा बैठे होंने ना सर्दी हो गई या गर्मी हो वेले टाइम जेड़ा हो कोई चीज बंदा जेड़ा वेख लैंदा चलो ठीक है मैं तुम जेड़ा लाजमी लै देसा परेशान नहीं होना हाँ इन्होंने जेड़ा इस हफ्ते अगले हफ्ते तकर जेड़ा LCD की कोशिश करना LCD जेड़ा लिया के देना और मसाला ही मैं सारे वारते जेड़ा खिला दिता मैं आख्या नेरे हूं तो पहला पहला जेड़ा मसाला जेड़ा खत्म करिए सौलत नहीं होगी सारे वारते जेड़ा मसाला जेड़ा सिटता परेशानी नहीं बनेगी उन्हें थोड़ा हूँ आ तेज लाई आ भी नेरे हूँ तो पहला पहला जेड़ा ना आप मसाला खत्म कर लीए असल तो टाइम तो काफ़ी सारा से लेकिन मसाला बनाते हैं पानी पाते हैं तकरीबन जेड़ा 1/2 घंटे तो ज़्यादा टाइम जेड़ा लग गया असल मिसाले बना तो ज्यादा टाइम चला गया अपना नहीं तो हनेरा तो जेड़ नहीं आता सी 2 रेड़ियां के मसाले ते लेकिन हूँ लग रहा हो जाना क्योंकि उत्थे जेड़ा मसाला बनाते बना पहले रेत लैन की फिर उन्होंने मिक्स कर फिर पानी जेड़ा तकरीबन 10 मिनट तकरीबन 1/2-1.5 घंटा 35 मिनट टाइम लग गया मसाला जेड़ा तैयार करते करते मसाला अपना ना खत्म होंदा तो काफ़ी बार छेक लैने से आप हूँ तिकर और चाय का भी जेड़ा पता कर लें चाय पक गई ना तो चाय भी जेड़ा पी लीए फिर लेट तो जेड़ी होनी पक गई चलो ठीक है शबाज भाई चाय भी बन गई ने इत पीनी कद कमरे पीनी इतें ही पी ले चलो बाई नहीं जेड़ा चाय जेड़ा और बाई की चाय जेड़ा पकड़ा दो कह रहे उत्थे जेड़ा पी ली मैं तो क्या बह के मैं तो कहना अंदर कमरे बह के पी लवें चलो इत पी लो जनाब जिम्मे थोड़ी मर्जी हेलो जी और मैं भी जेड़ा चाय नुमान मेरी चाय और फट गया इतने जेड़ा रल के फिर जेड़ा बह के जेड़ा चाय पी लें हाँ जी तो मिस्त्री भाई भी जेड़ा चले गए और काम भी माशाल्लाह जेड़ा काफ़ी सारा हो गया तकरीबन जेड़ा
चार साढ़े चार या पाँच फुट जेड़ना दीवार जेड़ना वो सिर गई आ, और साफ सफाई जेड़ना सारी मुकम्मल जेड़ना मैं करती आ, इस ब्रश ना हाँ तो दंदे वगैरह जेड़ना बिल्कुल खत्म हो, लेकिन जेड़ना साफ सफाई जेड़ना करती है दीवार बहुत ज़्यादा जेड़ना खूबसूरत लग रही है। हूँ सिर्फ दर्जा दर्जा सीमेंट रह गया, इटा जेड़ना साफ निकल आई ने, तोड़ तिकर जेड़ना एवं सारा ब्रश वगैरह जेड़ना लाता, और इटा भी जेड़ना तकरीबन 2000 जेड़ना इस नुक्कर ते इस टोटे ते जेड़ना लग जानियां ने, अगे 1000 इट बचनी 1000 इट ना जेड़ना वो वाले जेड़ना नुक्कर ते तकरीबन 10 फुट का गैप आ, ये जेड़ पूरे कर लेवांगे ना, ए विचला पीस टोटा भी जेड़ना छड़ देवे थलो दो बार ला के ना सिर्फ टोटे वाली जगह जेड़नी यही उसार लवेंगे, पर भी छड़ देवे इधरों भी छड़ देवे, अगर इटा वा फिर बाद चीज़ फिर जेड़ना इस जगह पर भी जेड़ना ला लवेंगे, और मैं भी हम सारे पहले बठल वगैरह जेड़ना दो लव कई जेड़ना यह दो लव सीमेंट नाल जेड़ना चंबड़ जाता तो मूँह जेड़ना दो लव, तो इंशाल्लाह आज दे आला विलाग भी जेड़ना कर रहे हैं इतने खत्म मिलने एक नैक्स अच्छे अच्छे विलाग के अपना ढेर सारा ख्याल रखे जे दुआव याद रखे जेना दुआव इजाजत अल्लाह हाफिज़।